हिमाचल में बाढ़ और बारिश ने जमकर कहर बरपाया है और यही हाल दूसरे राज्यों में भी है। अगर हम सिर्फ हिमाचल की बात करें तो यहाँ कम से कम 3 पुल टूट चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में कई इलाकों में जल तांडव की हाहाकारी तस्वीरें सामने आए। मंडी में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। पंडोह बाजार में पुल टूट गया है। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी प्रलयकारी रूप धारण कर चुकी है। 50 साल पुराना ऑट पुल भी टूट गया है। ऐतिहासिक पूरन ब्रिज टूट गया है। रावी नदी के पास में बने कई मकान गिर गए हैं। हालात क्या है अंदाजा आप लगा सकते हो उस तस्वीरों से भी। कुल्लू से मनाली का रास्ता फिलहाल बंद है, ट्रैफिक रुका हुआ है। हालात किस कदर खराब है अंदाजा आप लगा सकते हैं। 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मूसलाधार बारिश का जो दौर शुरू हुआ है वो समाप्त नहीं हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं। एक तस्वीर ये आपके सामने जहां पर आपको मंदिर भी नजर आएगा बीचों बीच जो कि टापू में तब्दील हुआ है। शिव मंदिर आज सावन का पहला सोमवार, यहां पर लोग आकर जलाभिषेक करते थे, रुद्राभिषेक करते थे, लेकिन आज स्थिति क्या है कि मंदिर जलमग्न है, जो लहरें सब कुछ अपने आप में जो है समाये हुए हैं। ये तस्वीरें हैं मंडी की। बहुत पुराना यहां पर शिव मंदिर भी है। शिव मंदिर को जाने वाला पुल टूट चुका है। ये कुछ और तस्वीरें भी आपके सामने है। हिमाचल प्रदेश के मंडी की ही तस्वीरें जहां पर तिनके की भांति बहते हुए आप कार को देख सकते हैं। दरअसल लोगों ने नदी के किनारे ही पार्किंग बना लिया, लेकिन ये प्रकृति है, इसके साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो उसके बाद प्रकृति किसी को बख्शेगी नहीं। यही देखिए कि वही पार्किंग बना दी गई नदी के बिल्कुल किनारे और नदी का विकराल रूप। नदी में बाढ़ आ गई और उसके बाद से गाड़ियां किस कदर बह रही हैं वो आप देख सकते हैं कि वहां पर जगह जगह यही मंजर है, यही स्थिति है। टूरिस्ट बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश जाते हैं और टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए नदी के किनारे रिजॉर्ट बना दिए जाते हैं, नदी के किनारे छोटे छोटे कैफेज बना दिए जाते हैं, पार्किंग बना दी जाती है क्योंकि फिर गाड़ियां बड़ी संख्या में पहुंचती है। अब जब लोग वहां पहुंचे गाड़ी पार्क की, लेकिन वो गाड़ी किस कदर नदी में बह गई आप देख सकते हैं। तो ये तो आपने पहाड़ की तस्वीर देखी, लेकिन मैदानी भागों में हालात बहुत अच्छे नहीं है। आपको सीधा मुहा ले लिया चलते हैं। खरड़ से हमारे संवाददाता कमलजीत संधू हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलजीत, मैदानी भागों में और मोहाली में हालात क्या है वो सुबह से आप दिखा रहे हैं, लेकिन अभी आप बताइए कि क्या स्थिति है, क्या बदल रहे हैं हालात धीरे धीरे, अगर मौसम की बात करें तो वो कैसा है इस वक्त? कमलजीत, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो तो प्लीज तस्वीरें बयां करें कि क्या वहां पर इस वक्त चल रहा है। देखिए, इस वक्त हम पारस पैनोरामा सोसाइटी में हैं और यहाँ पे कल जल भराव हो गया था। देख सकते हैं किस तरह से लोग कोशिश कर रहे हैं कि फंसी हुई गाड़ियां हैं और ये कल से तकरीबन 10-12 गाड़ियां हैं जो फंसी हुई हैं, उन्हें निकालने की कोशिश है। और यहाँ पे कई तरह के वाटर पंप लगाए गए हैं। खासतौर पर आपको पीछे उसकी तरफ दीवार दिखा सके, वहां पर भी गाड़ियां खड़ी थी और वो जो पार्किंग है वो जब धंसी उसकी वजह से भी गाड़ियां अंदर पानी में जा गिरी। और खासतौर पर अगर हम यहाँ के लोगों से बात करें और उनसे पूछें, सर कितनी दिक्कत आई है बारिश की वजह से, किस तरह की अरेंजमेंट, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मदद या कुछ नजर है? बहुत आई है पानी। एक्चुअली हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो हाईवे का पानी है वो हमारे पास पानी बहुत आया है, उसी पानी ने हमें डिस्टर्ब किया है। नहीं तो हमारे पास जो अपना सिस्टम है वो हम मैनेज करते हैं। दूसरी एक हमारी दीवार टूट गई है साइड वाली सोसाइटी की, दीवार हमें टूटी हुई नजर भी आई। ये दीवार के थ्रू पानी बहुत अंदर आया है, वही कारण है कि ये पानी बहुत ज्यादा है। और उसके बाद हमें इस मतलब हमारे लोकल मैनेजमेंट ने हमें साथ दिया है, मतलब पानी अंदर आने से रोकने। लोकल मैनेजमेंट ने साथ दिया है, यहाँ पे मैनेजमेंट से ही है। क्या बताइए प्रशासन की तरफ से किस तरह की मदद, या एक तरह से पोल नहीं खोलता है ये बिल्डर का और बाकी सारी चीजों का कि इस तरह सारे पैसे एक इन्वेस्टमेंट लगाता है घर बनाने में और इस तरह की चीजें होना? मैनेजमेंट जो साडे लोकल है, जो साडे MC साहब है, उन्होंने बहुत हेल्प की थी, पर जे असी प्रशासन की तरफ कहिए तो कुछ हेल्प नहीं। सानू साडे कोई प्रशासन का बंदा नहीं पहुंचा सिवाय एक SDM तो, वह भी साडे MC नाल ही आए सी। उस तो बाद आने तो बाद 50 बोरियां रेता दे गए, पर उन्हें कुछ नहीं फर्क पैंदा, इन 50 बोरियां रेता कुछ नहीं कर रही, पानी साडे जरूर तो जाए। तो रेता यहाँ पर आया, यानी सीमेंट की बोरियां तक यहाँ पर आई, और उसके बाद अगर हम बात करें जिस तरह से आप देख रहे हैं कि खुद लोग मशक्कत कर रहे हैं, यहाँ के लोकल गार्ड यहाँ पे लगे हुए हैं, तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि लोग अपनी तरफ से ही कोशिश कर रहे हैं। और लगातार आपको दिखा है, ये एक बड़ी हाई राइज सोसाइटी है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं अब अपनी कारों को बाकी चीजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कमल जी, हालात ये है कि लोग हाई राइज बिल्डिंग इसलिए लेते हैं कि पैसा भी ज्यादा खर्च करते हैं ताकि एक लाइफ
लाइफ, अच्छे एक स्टैंडर्ड की लाइफ जी सकें, लेकिन स्थिति यह है कि घर से बाहर निकलना उन लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। ये रही जो है बात आपने देखी, ये जो तस्वीर आपने देखी वो आपने देखी मोहाले की।